नमस्कार आदाब सत श्रीकाल दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन दोस्तों ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो हर चार में से एक इंसान को होती है और उनमें से आधे लोग अनडिटेक्टेड रह जाते हैं अनडिटेक्टेड का मतलब ये है कि वो कभी चेक ही नहीं कराते कई लोगों के घर में ब्लड प्रेशर की मशीनें हैं डिजिटल मशीनें या मैनुअल मशीनें पर वो अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं करते सोच के देखिए प्रैक्टिकली आप नहीं करते रेगुलरली तो नहीं करते कुछ दिन करते हैं डॉक्टर ने कहा फिर आगे चल के छोड़ देते हैं इसी वजह से यह बीमारी अनडिटेक्टेड रह जाती है और यह अनडिटेक्टेड बीमारी साइलेंट किलर बन के बाहर आती है आपको हार्ट अटैक आपको स्ट्रोक ब्रेन स्ट्रोक जैसी खूंखार और घातक बीमारियां कर देती है इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करना और इसी के लिए टेक्नोलॉजी को आगे आना पड़ेगा कई सारे नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं ब्लड प्रेशर के लिए घड़ियों में ब्लड प्रेशर चेक करने के सेंसर आ रहे हैं और अब मोबाइल फोन में ब्लड प्रेशर चेक करने का सेंसर आया है एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे हैं सेंसर की बात कर रहे हैं ये सेंसर वो है जो अमेरिकन कार्डियो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस के रिकमेंडेशन के मुताबिक बनाया गया है स्क्रीनिंग के लिए याद रखिए ये सेंसर्स जो मोबाइल फोन में डाल के आपको दिए जाते हैं ये स्क्रीनिंग के लिए है ये ब्ल ये मेडिकल डिवाइस को रिप्लेस करने के लिए नहीं है एक मेडिकल डिवाइस जो है वो एग्जैक्ट या फिर थोड़ा वेरिएशन के साथ आपका ब्लड प्रेशर चेक करेगा इस डिवाइस में स्क्रीनिंग होगी मतलब वेरिएशन और थोड़ा ज्यादा हो सकता है तो ये डिवाइस किसी चाइनीज कंपनी ने नहीं बनाया है ये आप ही की हमारी खुद की इंडिया की कंपनी लावा लावा मोबाइल ने एक ऐसा मोबाइल बनाया है ये मेरे हाथ में जो मोबाइल है यह है लावा पल्स जी हाँ इस लावा पल्स के पीछे उन्होंने ना सिर्फ एक कैमरा बल्कि एक सेंसर दिया है इस सेंसर के ऊपर जब आप अपनी उंगली रखते हैं और इसके अंदर से सेटिंग में जाके ब्लड प्रेशर गिनते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट दोनों मेजर होता है और ना सिर्फ मेजर होता है सेव भी होता है तो so, आइए देखते हैं इस लावा पल्स में क्या क्या फीचर्स हैं सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फीचर जो इसमें है वो है इसका हार्ट रेट डिवाइस सो हार्ट रेट डिवाइस में जब आप जाएंगे सो so आप इसमें तीन सेटिंग देखेंगे मेजर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट इसको मेजर करने के लिए आपको इसके पीछे दिए गए इस सेंसर के ऊपर अपनी उंगली रखना होगा ऐसे नहीं ऐसे नहीं इसको स्ट्रेट रखना होगा इस उंगली को पूरा सेंसर को पूरा कवर करने के बाद आपको इसको इस्तेमाल करना होगा और ये सेंसर आप इस्तेमाल करके जब इसे चालू करेंगे तो ये आपका हार्ट रेट गिनना शुरू कर देगा कुछ ही सेक्टों सेकेंड्स में ये आपका हार्ट रेट और साथ ही ब्लड प्रेशर भी गिन लेगा कई बार ये हो सकता है कि अगर आपने अपना हाथ हटा दिया तो ये फिर से आपको री करने के लिए कहेगा हाथ को बहुत अच्छी तरह से स्टेबल रखना होता है जिस तरह आप देख रहे हैं ये मेरा हार्ट रेट सेवन ज़ीरो और एस बी पी अपर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वन वन सिक्स डायस्टॉलिक सेवेंटी नाइन द होल थिंग इज स्टेटस नॉर्मल इसमें इन्होंने एक डिस्क्लेमर भी दिया है कि मोबाइल फ़ोन इज़ हैविंग हेल्थ फीचर ऑफ कैलकुलेटिंग हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर दर दिस द रिकमेंडेशंस आर एज पर ए सी सी एंड ए एच ए गाइडलाइंस एंड इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर मेडिकल डिवाइस इट्स अ स्क्रीनिंग डिवाइस राइट सो इस तरह से आप इसको रख सकते हैं और इस रीडिंग को सेव भी कर सकते हैं सो so, वंस इसको सेव कर लिया तो आप इसको बैक एंड में जाके सेव्ड रीडिंग में पहली दूसरी ऐसे तीसरी चौथी देख सकते हैं और याद रखिए जब आप मेजर करते हैं तो पीछे से इस प्रकार की लाइटिंग निकलती है ये सेंसर से जो रेज निकलती है वो मेजर करती है अगर आपने बाद में रखा या टेढ़ा रखा तो ये सेंसर आपको कहेगा कि आप फिर से देखिए अभी कहेगा कि ये रखा नहीं गया है आप फिर से रखिए राइट री चेक सो आपको सही से रखना होता है पीछे से आपके लेजर निकलती है जो आपका पल्स चेक करती है आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर बिल्कुल सही से इसे रखना है आपकी बार भी ये कहेगा टू री चेक सो दिस इज अ गुड मेथड टू चेक योर हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों इसमें मेजर होता है देखा आपने कितना बढ़िया फीचर है सेंसर है स्क्रीनिंग करने के लिए घर बैठे या कभी भी 24 घंटे कहीं भी हाथ में मोबाइल लेके स्क्रीनिंग कर सकते हैं और सबसे अच्छा फीचर जो इस मोबाइल में है कि ये मोबाइल जो डिज़ाइन किया गया है ये लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है ये बहुत ज़्यादा महंगा मोबाइल नहीं बनाया गया है इसका जो टारगेट ग्रुप है डेमोग्राफिक है ये उन लोगों के लिए है जो आ, मान लीजिए जो जिनका ऑक्यूपेशन जो घर में रहते हैं जो फार्मर हैं जो डेयरी फार्मर हैं जो गार्ड लोग हैं जो लेबरर्स हैं स्किल लेबर्स हैं हाउस होल्ड हाउस है, कीपर्स हैं जो जिनकी अर्निंग दस हजार बीस हजार से के आसपास या उससे कम है या जिनका एजुकेशन लेवल उतना नहीं है कि वो समझ पाए कि दूसरी बड़ी मशीनें कैसे इस्तेमाल करनी है तो ये एक सिंपल सा बढ़िया सा मशीन है जो कि डिटेक्ट कर सकेगा कि अगर किसी का स्क्रीनिंग में ब्लड प्रेशर बहुत हाई है तो एक बहुत बढ़िया मोबाइल है ये बनाया आपके सामने और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात इन लावा मोबाइल के इंटरनल स्टडी में जो इसकी एक्यूरेसी देखी गई इंटरनल स्टडी जब की गई इन्होंने तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो ब्लड प्रेशर की एक्यूरेसी वेरिएशन मेन चीज मानी जाती है कि कितना वेरिएशन है एक नॉर्मल मैनुअल मैनोमीटर मैनुअल ब्लड प्रेशर और इस पर्टिकुलर मोबाइल का तो इस पर्टिकुलर मोबाइल की सेंसर के स्क्रीनिंग मेथड की एक्यूरेसी जो है वो एट परसेंट वेरिए आठ परसेंट वेरिएशन है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में तीन परसेंट वेरिएशन है तो बहुत ही एक्सेप्टेबल वेरिएशन है ये और तो ये बहुत बड़ी स्टडी नहीं है आगे चल के इस तरह के डिवाइसेस और भी मोबाइल्स में आएंगे जो नए नए अभी अच्छी बात है ऐसी टेक्नोलॉजी आना इस पर स्टडी होना इसके आगे चल के सेंसर आना आगे चल के ब्लड शुगर का सेंसर आएगा जो एटलीस्ट स्क्रीनिंग कर पाएगा स्क्रीनिंग से क्या होता है स्क्रीनिंग से ये पता चलता है कि अगर आप एक हज़ार लोगों की स्क्रीनिंग करते हैं उसमें से आपको पता चलेगा कि वो कितने पच्चीस लोग पचास लोग सौ लोग कौन हैं जिनका एक्चुअली में ज़रूरत है हाई ब्लड प्रेशर की एक्चुअल टेस्टिंग दवाई रेगुलर चेकअप की तो उससे पता चल जाएगा इनका ब्लड प्रेशर हाई है तो जब इससे स्क्रीनिंग में पता चलता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है तब आपका ब्लड प्रेशर एक्चुअल सिग्वो मैनोमीटर से चेक होगा अगर फिर उसमें भी हाई आता है तो दोनों तरीके से फिर आपकी आपका मेडिकेशन शुरू होगा या डाइट शुरू होगा या आपका मैनेजमेंट शुरू होगा ताकि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे और आपको स्ट्रोक हार्ट अटैक जैसी बीमारी ना हो तो ये टेक्नोलॉजी आगे चल के बहुत काम आएगी जो घड़ियों में या जो मोबाइल uh, फोन्स में आने लग जाएगी उसके बाद आगे चल के आप अपना ब्लड प्रेशर हार्ट रेट ऑक्सीजन सेचुरेशन ब्लड शुगर ये सब इस तरीके की टेक्नोलॉजी से मॉनिटर कर पाएंगे ऑब्वियसली ये टेक्नोलॉजीज़ को परफेक्ट होने में टाइम लगेगा इसकी जो डिपेंडेंसी होगी जो उसके एरर रेट होगा ये एक एक्चुअल मेडिकल डिवाइस से ज़्यादा होंगे लेकिन ये स्क्रीनिंग डिवाइस है ये स्क्रीनिंग करेंगे ये आपको बताएंगे कि अगर आपकी दिक्कत ज़्यादा हो रही है तो उस समय आपका बीपी लो हाई है हार्ट रेट हाई लो है शुगर हाई लो है ऑक्सीजन कम लो है क्या चल रहा है बॉडी में आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा दैट्स वॉट दिस इज दिस इज अ टेक्नोलॉजी विच यू मोर इंफॉर्मेशन अबाउट योर हेल्थ इन अ स्क्रीनिंग टेस्ट सो इस तरह की बढ़िया टेक्नोलॉजी और आने वाली है आती रहेगी दिस इज अ गुड मोबाइल फोन इसके लिए हम एक लिंक नीचे दे देंगे इसका जिसमें आप इसका परचेस रेट देख सकते हैं ज्यादा महंगा नहीं है डेढ़ दो हजार का फोन है और ये आप दूसरे जो अपने हम अपने यहाँ काम कर रहे हैं वर्कर्स हैं उनको दे सकते हो क्योंकि उनकी हेल्थ पे डिपेंड करेगा आपका अगर आपके यहाँ काम कर रहे वर्कर बीमार हो जाएंगे हाइड्रेट अगर आगे चल के उनको कुछ दिक्कत हो जाती है तो फिर कई बार आपको उनका खर्चा उठाना पड़ता है कई बार आपको उनकी देखभाल आप आपकी आपकी केयर करने वाला कोई नहीं होता है मान लीजिए तो आपके लिए भी एक अच्छी चीज़ है कि आप अपने सर्वेंट्स को अपने गार्ड को अपने ऐसे लोगों को जो जो अपना हेल्थ का ख्याल नहीं रखते और आपको डाउट है कि भाई तुम्हारी हेल्थ खराब है तो उनको स्क्रीनिंग के लिए ये दे सकते हैं तो एक अच्छा प्रोडक्ट है स्क्रीनिंग का याद रखिए दिस डज नॉट रिप्लेस अ मेडिकल डिवाइस तो मेडिकल डिवाइस एक मेडिकल फिगो मैनोमीटर को रिप्लेस नहीं करता है ये स्क्रीनिंग करता है इसका काम स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग तक ही रखिए और लावा की तरफ से यह नया मोबाइल है आपके लिए सो प्लीज गो इन चेकआउट द लिंक एंड प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्थी